हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है दाल मखनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं दाल मखनी बनाना। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं दाल मखनी बनाना। दाल मखनी बनाने के लिए हमने एक छोटा बाउल राजमा लिए हैं, ये भिगो दिए थे हमने, और एक बड़ा बाउल हमने उड़द की काली दाल ली है, ये भी भिगो दी है हमने। अब हम ये हमने एक कुकर लिया है और इसमें पानी बाउल करने रख दिया है, और इसमें हम ये राजमा डाल देंगे एक कटोरी। अब हम इसमें उड़द की दाल डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, चुटकी भर हींग डाल देंगे। अब इसे पानी में उबाल आने तक हम इंतजार करेंगे। इतना हम अपने मसाले देख लेते हैं। ये हमने 3-4 प्याज लिए हैं पिसे हुए, और ये 3 टमाटर ग्राइंड किए हुए, जीरा, हल्दी, गरम मसाला, अदरक, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, और नमक और हींग और लाल मिर्च। ये हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक कटोरी बर्फ डाल देंगे, जिससे कि हमारी दाल का कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। मैंने यहाँ बर्फ का प्रयोग किया है। कुकर को बंद कर देंगे और 5 विसल लगा लेंगे इसमें। इतना हमारे इसमें विसल आती हैं, इतना हम एक तरफ मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमने कढ़ाई ले ली है, गैस पे रख ली। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का ये चॉपर किया हुआ बारीक ये डाल दिया है हमने इसमें। अब इसको हम भून लेंगे। ये हमारा अदरक और लहसुन भून चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये हमारे प्याज भून चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, और टमाटर डालेंगे इसके अंदर। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और मसाले को 5-10 मिनट तक भूनने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें एक बाउल मलाई डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए भूनने देंगे। हमारे कुकर में 5 विसल आ चुकी हैं। अब हमने गैस बंद कर दी है। ये हमारा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम अपना कुकर खोल के देखेंगे कि हमारी दाल पकी है या नहीं।
दाल अच्छे से पक चुकी है। अब हम देंगे अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा एक कुकर में हमने पानी डाला है वो पानी भी इसी में डाल देंगे। ये हमारी दाल का फ्लेवर कितना अच्छा आया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। ये हमारी दाल पककर तैयार हो चुकी है। गैस को बंद कर देंगे और एक बाउल में सर्व करेंगे। ये हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।